पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में गणतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ सीपीआईएम के समर्थकों ने धलाई जिले के अंतर्गत अम्बासा में बुधवार को विशाल रैली का आयोजन किया। सीपीआईएम के नेता पंकज चक्रवर्ती इस रैली में शामिल थे। वामपंथियों के देशव्यापी आंदोलन के समर्थन में त्रिपुरा में भी रैली निकाली गई। सीपीआईएम नेताओं का आरोप है कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेता विपक्षी पार्टी के कार्यालयों और उनके कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। इन चार मास 15 दिनेर माथाय आमरा प्रथम एई रास्तায় নামতে পারলাম। এর আগে 27 জুন কাজ খাদ্যের দাবিতে আমরা ডেপুটেশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, কিন্তু পরে বলগাহীন হুমকি সন্ত্রাসের মুখে আমরা এই কর্মসূচি স্থগিত করতে বাধ্য হই। कुकी छात्र संघ ने 24 जुलाई की मध्यरात्रि से 25 जुलाई की मध्यरात्रि तक चुराचांदपुर जिले में संपूर्ण बंद का आह्वान किया है। कुकी छात्र संघ का कहना है कि थडो स्टूडेंट्स एसोसिएशन और संयुक्त जनजातीय छात्र निकाय ने संयुक्त रूप से 23 जुलाई को केएसओ सदस्यों की गिरफ्तारी की मांग में संपूर्ण बंद का आह्वान किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि केएसओ ने कुछ दिन पहले उनके बंद का विरोध किया था। केएसओ इसे टीएसए और संयुक्त जनजातीय छात्र निकायों द्वारा कुकी समुदाय का खुला अपमान बता रहा है। इस बीच आज बंद के दौरान बंद समर्थकों ने वाहनों को भी क्षति पहुंचाई। रानीकोट से पूर्व कांग्रेस विधायक एमएम डांगो बुधवार को औपचारिक रूप से सत्तारूढ़ एनपीपी पार्टी में शामिल हो गए। प्रशासनिक इकाई देने के लिए पूर्व सरकार का धन्यवाद करते हुए डांगो ने कहा कि कांग्रेस मेरी नागरिक उपखंड की मुख्य मांग को कभी पूरा नहीं कर पाई। एनपीपी में शामिल होने के बाद मीडिया से बात करते हुए डांगो ने दावा किया कि उनको क्षेत्र के लोगों का समर्थन हासिल है, जिसके दम पर वे उपचुनाव में जीत हासिल करेंगे। Which you know very well, Ranikot is the most backward area in the border in the Indo-Bangladesh border. So, as a sign of respect, as a sign of gratitude, I'm obliged today to join to the party, and I'll do my best to serve the party in whatever the capacity that I could, whatever they would assign to me. सिक्किम की युवतियों को गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से मुक्ति दिलाने के लिए राज्य सरकार निशुल्क टीकाकरण की व्यवस्था कर रही है। आगामी 30 जुलाई से राज्य का स्वास्थ्य विभाग राज्य भर के स्कूलों में पहले चरण का टीकाकरण प्रक्रिया शुरू करेगा। यह टीका लड़कियों को गर्भाशय कैंसर से बचाएगा। पंजाब के बाद सिक्किम देश का ऐसा दूसरा राज्य होगा जहां HPV टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर राज्य में दूसरा सबसे आम कैंसर है और अब तक 25 जाने ले चुका है। इस टीकाकरण के लिए लक्षित आयु समूह 9 साल से 14 साल तक है और यह अभियान 30 जुलाई से एक परीक्षण के रूप में शुरू होगा। एज पर द WHO गाइडलाइन जो है, ये 9 साल से 14 साल की लड़कियों को लगाया जा रहा है और 30 तारीख से ये पूरे सिक्किम में सभी स्कूलों में और स्कूलों के बाहर इसको लगाया जाएगा और ये 2 हफ्ते हमारा कैंपेन चलेगा और इसका पूरा खर्चा सिक्किम सरकार ने अपने बजट से वहन करेगी इसको।